नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम आए हैं विशाल कंबाइन के फैक्ट्री में और ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं ये है विशाल मर्लिन। विशाल कंबाइन की पेशकश है विशाल मर्लिन। देश में आजकल जहां कई नामचीन हार्वेस्टर कंपनियां चाइना से प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर भारत में बेच रही हैं, वहीं पर विशाल कंबाइन एक ऐसी कंपनी है जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत विशाल मर्लिन पैडी हार्वेस्टर को लेकर आई है। देश की कंपनी, एग्रो टेक्नोलॉजी में देश की ढाल और किसानों की जेब का रखे ख्याल। विशाल मर्लिन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर सुखमीत सिंह जी। सुखमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुखमीत जी, हमें बताइए इस मर्लिन में क्या खासियत है? इसे देखिए, ट्रैक कंबाइन में ये लाइट वेट सीरीज में कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की है जी। ठीक है, मेन चीज इसका क्या है, इसका वजन बहुत कम है। जैसे वेट एरिया में सक्सेसफुल है वजन के हिसाब से, है ना। बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, इससे पहले भी आई हैं, इसमें वेट हमने कम देके इसको लॉन्च किया है जी। ठीक, इसका दो मकसद है। तो इसका वेट एरिया में इजीली चलती है, ऑपरेट होती है। दूसरा क्या, डीजल कंजम्पशन बहुत कम होती है। मेन चीज वेट में क्या है, जैसे हार्वेस्टिंग के बाद गाड़ी को फिर बाहर जाना पड़ता है अनलोडिंग के लिए, तो इजीली ये बाहर जाती है, आसानी से अंदर फिर आ जाती है ना। इसमें अदर कंपनी से हमने कुछ चेंजेस दिए हैं। ये मेन चीज ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेन प्रोडक्ट क्या है, ये इंडियन बेस्ड है जी, पूरा इंडियन कंपनी से बना हुआ है ये, बिल्कुल लोकल है, बिल्कुल सबसे बड़ी खासियत मेक इन इंडिया कंसेप्ट लिया है। ठीक है, उसी को इसमें लिया है। इसकी जो रबड़ में देख रहा हूँ वो बड़ी खासियत है, रबड़ के क्या साइज इसमें रखा है? रबड़ इसका सर है 590/54 जी। ठीक है जी, जी मेन चीज क्या, इसको इम्पोर्ट करते हैं जी। इंडिया में इम्पोर्ट करने के बाद ट्रैक लगा रहे हैं, ब्रिजस्टोन का ट्रैक दे रहे हैं उसमें जी, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और मेन चीज इसमें जो इंजन यूज किया गया है अपनी कंबाइन में, इसमें जी 101 HP का अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया गया, मेड इन इंडिया जी। अदर जैसे कंबाइन से कंपेयर करना चाहोगे आप, उसमें क्या है 76 HP आ रहा है जो इसके लिए कैपेबल नहीं है। वेट में चलना है, थ्रेशिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रख के कंपनी ने इसमें 101 HP का इंजन यूज किया है, अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर जी। रेडिएटर देखिए, इसका फोल्डिंग है सर, है ना जी। और मेन कभी कोई जरूरत है इसको क्लीन करना है या कुछ भी करना है, इजीली ये खुल जाता है यहाँ से जी। देखिए बहुत आसानी से खुल जाता है, इसको साफ करना है जी, क्योंकि गाड़ी चल रही है, डस्ट वगैरह होती है ना, आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। और इसका जो एयर कूलर है, एयर कूलर भी देखिए लेटेस्ट लगाया गया है इसमें जी। ठीक है, इससे क्या इंजन को बहुत सारी वो मिलेगी, ऐसे टेम्पर नहीं होगा बॉस। और दोनों साइड से जाली दिया गया इसके बाहर जी जी। ठीक है, ये बारीक जाली दे दिया, डस्ट नहीं खींचेगा जी। और बाहर आने से ये वाली जाली, हाँ जी हाँ, ये दिखाया गया जो इसको डस्ट से बचाए, बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसका एक, इसका कुछ लॉक सिस्टम में देख रहा हूँ, लॉक सिस्टम दिया सर, ग्रेन टैंक है जैसे जी, इसको हमने जैसे पुश किया, पुश करने के बाद एक लॉक दिया हुआ है इसके अंदर जी। अदरवाइज क्या है, जैसे चलती है, चलने के बाद क्या है, जो बेल्ट है ग्रेन टैंक का बेल्ट होता है ना जी, वो क्या था आउट हो रहा है जी, दूसरी कंपनी गाड़ी में हमने देखा है। तो हमने इसमें एक लॉक सिस्टम दे दिया है, जो बेल्ट है आपका एक्चुअल लाइन में चलेगा जी, प्रॉपर लाइन में चलता रहेगा। सी ग्रुप की बेल्ट यूज की गई है इसमें जी। डबल लीवर ये दिया गया है, जैसे इसको रील के लिए ये डबल लीवर दिए गए हैं जी। ठीक है जी, इससे रील का फंक्शन है ये जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए HST सिस्टम यूज किया गया है जी, HST सिस्टम है इसमें। HST सिस्टम जैसे गियर ड्राइव की तरह, एक तरह जी इसको ऑपरेट करने के लिए गियर है, इसको HST सिस्टम बोला जा रहा है। इसी लीवर से टोटल फंक्शन होगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट इसी से होगा आपका, क्लियर सर। और सिंगल लीवर है जी, आगे पीछे होने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम से आगे पीछे हो रही है। और इसमें जो क्रॉलर हैं, इसको बोलते हैं नीचे जो लगे हुए हैं जी, ये हमने दूसरी कंपनियों से एक दो ज्यादा दिए हैं इसमें, जैसे ट्रैक की जो लेंथ है बड़ा ट्रैक डाल रहे हैं इसमें। मेन चीज इसका क्या है, जैसे मेड वेट आती है, देख रहा हूं, दो हाँ जी हाँ, एक छोटा दिया गया, देखिए बिल्कुल थोड़ी छोटी दी गई है जी, ये वाला थोड़ा छोटा दिया है जी। जैसे मेड से आगे जाती है जी, तो ये ट्रैक ऊपर ले देगा उसको, टूटने के चांसेस कम रहेंगे और बैलेंस बना रहेगा इसका पूरा। रील है इसका, जैसे हैवी ड्यूटी रील दिया गया है, न्यू डिजाइन है जी। इसमें देखिए इस चीज को पूरा हमने हैवी ड्यूटी बनाया हुआ है जी, और न्यू डिजाइन रील है इसमें, ये सही यूज किए गए हैं जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं टेंस, जैसे सर मजबूत बनाया हमने। बहुत सारी जैसे हमने सुना है, जैसे कंपनियों की गाड़ी आ रही है जी, बहुत सारी दिक्कत आती है उनमें, हमने उसको ध्यान में रखते हुए जैसे मेक इन इंडिया बनाया इसको, तो उसी हिसाब से बनाया कि इंडियन प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी वैसी होनी चाहिए। और इसमें देखिए हमने मेन चीज क्या दिया है, जैसे ये आपका चैम्बर आ गया, फीडर चैम्बर बोलते हैं टेक्निकल में, इसमें सिंगल जैक आता है सभी कंपनियों में, हमने डबल दिया है क्योंकि बैलेंस इसका प्रॉपर बना रहे, बैलेंसिंग के लिए इसको डबल जैक दे दिया है, एडवांटेज है अपना, एक्स्ट्रा फीचर है। अदर से हैवी थ्रेशर यूज किया गया इसमें, न्यू डिजाइन थ्रेशर है और बड़ा थ्रेशर है ठीक। और इसमें सर खासियत क्या है, जैसे ये स्टील के पार्ट दिए गए हैं
जी घिसाई के लिए, कि घिसाई ना हो इसकी, स्टेनलेस स्टील यूज किया गया इसमें, ताकि जंग ना लगे। बिल्कुल जी, जंग ना लगे और उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा रहेगी जी। और फिर इसमें जितनी बेल्ट यूज की गई है पूरी की पूरी सी ग्रुप बेल्ट यूज कर रहे हैं हम, सी ग्रुप है जी। ये देखिए सी ग्रुप का बेल्ट यूज किया गया है इसमें, अदर्स कंपनी में क्या है छोटे आते हैं जी, ठीक है, इसमें सी ग्रुप का बेल्ट यूज किया गया है पूरा, ठीक है, थ्रेशिंग के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए जी, तो सी ग्रुप बेल्ट यूज किया गया है इसमें। सेफ्टी फ्लैप दिए गए हैं, जैसे ये चीज हो गई सर, ये है सेफ्टी फ्लैप, जैसे इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे सर यही है, जैसे वेस्टेज आती है जो जी, यहाँ से क्या है यहाँ इकट्ठी होने लग जाती है जी, यहाँ ना रुक जाती है, रुकने के बाद इकट्ठी हो जाती है यहाँ, फिर बहुत सारा वो बना के एक साथ गिरा रही है, इससे क्या है वो टैंक भी है, डीजल टैंक आ गया बगल में, इंजन का साइलेंसर आ गया, वो सब चीजें नजदीक हैं, उनके लिए सेफ्टी दिया गया है कि वो चीज यहाँ इकट्ठी नहीं होगी और नीचे ही गिराएगा अपना। और इसका एक हाइड्रोलिक मोटर है, हाइड्रोलिक देखिए उनमें से क्या है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर यूज होती है, लेकिन हमने इसमें ये हाइड्रोलिक मोटर दी है डिस्चार्ज ट्यूब को 360 पे घुमाने के लिए, ये हमने हाइड्रोलिक मोटर दे दी इस पे। और डीजल जो टैंक है इसका वो बड़ा यूज किया है हमने, 210 लीटर का डीजल टैंक है इसमें जी, और साथ में ये टूल दिया हुआ है, ठीक है, ये सेफ्टी टूल है मान के चलिए स्पेयर पार्ट रखने के लिए। फिर इसका आ जाएगा जैसे आप देख रहे हैं जैसे ग्रेन टैंक है, ठीक है, ये भी फोल्डिंग है आपका जी, इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं, ये खुल के बाहर आता है, ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे होता है। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी कितनी है? ग्रेन टैंक की कैपेसिटी सर इसकी 650-700 क्विंटल है, यानी 410 लीटर जी जी। तो उसमें थोड़ा कम रखने का रीजन यही है, जैसे एक साइड टैंक होने से क्या है जैसे बैलेंसिंग बना रहेगा इसके, अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे तो बैलेंस में दिक्कत आएगी गाड़ी चलने में इसको, हार्वेस्टर को, है ना, उसी के हिसाब से बनाया गया। और इसमें एक चीज और दी है, जैसे ड्राइवर यहाँ बैठता है जी, तो मेन चीज क्या है वो जैसे एग्जॉस्ट दिया गया है डस्ट को खींचने के लिए, हाँ जी, यहाँ चलाने में बहुत दिक्कत आती है ऑपरेटर को जी, तो एग्जॉस्ट दे दिया, वो पूरी का पूरा डस्ट को खींचेगा और पीछे ड्रॉप करता रहेगा। फिर आपका ये आ जाएगा एयर क्लीनर आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, हाइट बढ़ाई हुई है हमने। रीजन क्या है, जैसे इंजन नजदीक होने से क्या है वो नीचे से उसी की हवा ले रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर ये दे दिया कि ऊपर करने से क्या है वो इंजन की हवा नहीं लेगा, एयर फ्रेश लेगा, ठीक है, और इंजन आसानी से चलेगा आपका। इसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है? एवरेज सर इसकी जैसे आप वर्किंग पूछेंगे, वर्किंग है एक घंटे में मान के चलिए 2 से 2.25 एकड़ जी, हार्वेस्टिंग है जो इसकी जी, और डीजल कंजम्पशन जो इसकी आ जाएगी वो आपकी 6 से लेके 6.5 लीटर मैक्सिमम है, मैक्सिमम जी। क्या इस पे सब्सिडी भी उपलब्ध है? सब्सिडी सर देखिए ऐसे इंडियन गवर्नमेंट है बहुत सारी स्टेट में सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, जहाँ जहाँ है अपने इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवड है, सब्सिडी अप्रूवड है, कहीं भी सब्सिडी आती है तो अपना प्रोडक्ट है जो, जैसे विशाल का मर्लिन प्रोडक्ट है सभी जगह अप्रूव्ड है, कहीं सब्सिडी आती है तो इस पे सब्सिडी मिलेगी। ये कस्टमर फ्रेंडली कैसे हमें वो समझाइए, क्योंकि आपकी कंपनी का दावा है ये कस्टमर फ्रेंडली है और आपकी जेब का रखे ख्याल, यानी ये अगर आपसे कुछ ले रही है तो बदले में रिटर्न में आपको कुछ मनी दे भी रही है, वो कैसे दे रही वो हमें फंडा समझाइए। बिल्कुल सर, वो ये देखिए विशाल एक ऐसा नाम है एग्रीकल्चर लाइन में, अगर आप देखेंगे तो बहुत सालों से ये कंपनी चल रही है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट किसानों के लिए बना के दे रही है। मेन चीज वही, इसका एम भी हमारा यही है, वो वही टारगेट है हमारा जी, कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है कस्टमर को ऐसा बना के देना है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका उसको प्रॉफिट होना चाहिए जी, ठीक है, उसी हिसाब से जैसे आपने पूछा है कि क्या इसका मेन मकसद क्या है इसी का, जैसे कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली यही है कि इसका मेंटेनेंस नहीं है। मेन चीज कंपनी का फंडा क्या है, इसमें जितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सभी हाई क्वालिटी का कर रहे हैं और ब्रांडेड यूज कर रहे हैं जी, तो उससे क्या है कस्टमर को बार बार दिक्कत नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फ्रेंडली इसीलिए हो जा रहा है कि उसकी एक्सपेंसिस बहुत कम हो रहे हैं। इसके पार्ट्स जो है वो कितने कस्टमर फ्रेंडली है या कितने मार्केट में इजीली अवेलेबल है? प्राइस और इसके पार्ट्स के जैसे मेड इन इंडिया मैंने आपको पहले ही बताया था, बनाने से क्या हमने प्राइस ऐसे ही रखे हैं कि कस्टमर को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंबाइन है इस टाइप की जो बाहर से इंपोर्ट करके दी जा रही है इंडिया की मार्केट में, लेकिन उनमें मेन चीज क्या है चाइनीज इंजन है, चाइनीज प्रोडक्ट है, वो चलते नहीं है, चलने के बाद मेन चीज क्या है बाद में पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल है उनके, मतलब ये तो पता ही है कि चाइना का माल मतलब उसकी नो गारंटी, नो वारंटी, तो वो लेकिन ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया है, इसकी गारंटी भी है, वारंटी भी है और इसकी लॉन्ग लाइफ भी है, देखिए कंपनी भी है ना जी, यहाँ से बन रहा है सभी को पता है कहाँ से आ रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन फ्यूचर कभी कुछ है तो कंपनी सपोर्ट भी दे रही है, सेल और सर्विस सब चीजें इंडिया में। पैन इंडिया हमारे डीलर है, कितने डीलर है पैन इंडिया? पैन इंडिया मान के चलिए हमारा 200-225 डीलर वर्किंग कर रहा है अभी जी प्रेजेंट टाइम में व्हील माउंट और ट्रैक के लिए। बड़ी बात इसकी ये भी है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी, रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेक इन इंडिया हुआ। दूसरा
ना विशाल का जैसे मार्का है ना, तो विशाल का ब्रांड वैल्यू रहती है, ब्रांड वैल्यू भी मायने रखती है। किसान भी इस चीज को लाइक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा है जी। इसकी जो फीडबैक है बहुत अच्छी आ रही है। सुमित जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है किसान भाइयों आपको हमारा आज का ये नया प्रोडक्ट लॉन्च अच्छा लगा होगा।